आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नान गो सालन की रेसिपी। आप इसको कढ़ा वाला सालन भी कह सकते हैं और बहुत ही झटपट से बन के तैयार होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको नान के साथ या फिर रुमाली रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े का लगता है। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। चिकन नान सालन बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। नॉर्मली तो इसको हम लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, पर यहाँ पे हमने एक नॉर्मल कढ़ाई चढ़ाई हुई है। इसमें हम 100 ग्राम ऑयल डाल देंगे। इधर हमने 100 ग्राम ऑयल डाल दिया है। अगर आप स्पून से लेंगे तो यहाँ पे 10 से 11 टेबल स्पून हमने तेल गरम किया है। यहाँ पे हमने सरसों का तेल लिया है। इसको सरसों के तेल में बनाइए तो ये ज़्यादा अच्छे से बनता है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होकर आता है। इधर हमने जो है 150 ग्राम प्याज ली है, जिसको हमने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसमें से आधी प्याज जो है अपने तेल में डाल देंगे और आधी को हम इस तरह से बचा लेंगे, इसको हम कच्ची डालेंगे। डाल के हम इसको फ्लेम को हमने हाई किया है और हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से हमें ब्राउन होने तक के इसको फ्राई कर लेना है। चलाते हुए प्याज को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इधर हमने प्याज को चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं हमने फ्लेम को हाई रखा था, हाई फ्लेम पे हमारी प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो गई। अब हमें सभी प्याजों को इसमें से निकाल लेना है। इधर हमने तेल में से सभी प्याज को निकाल लिया है और प्याज को हमें ठंडा होने के लिए रख दिया है और फ्लेम को हमने मीडियम टू लो कर दिया है। इधर हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, इसमें हल्दी थोड़ी ज़्यादा आती है। इसमें हम 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, इसको हमें तेल में डाल देना है। डाल के अब हम फ्लेम जो है मीडियम टू हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हमें हल्दी को अच्छे से भून लेना है। जब तक हमारी हल्दी एकदम अच्छे से पक नहीं आती है तब तक हमें इसको इसी तरह से भूनते रहना है। इधर हमारी हल्दी तेल में बहुत अच्छे से पक गई है। आप देख सकते हैं हमारी हल्दी एकदम फटती गई है, एकदम क्योंकि दानेदार एकदम फटी फटी हल्दी हो जाएगी। तब तक हमें इसको तेल में बहुत अच्छे से भूनना है। इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अभी देख सकते हैं हम यहाँ पे कुछ खड़े मसाला डाल देंगे, जिसमें हमने 3 से 4 लौंग ली, 2 छोटी इलायची ली, 10 से 12 मिर्च के लिए और दालचीनी के 2 इंच का टुकड़ा लिया था, जिसको हमने इस तरह से तोड़ के बीच में से इसके 3 टुकड़े कर दिया। आप चाहे तो एक टुकड़ा बड़ा भी डाल सकती हैं। यहाँ पे हमने 700 ग्राम चिकन लिया, जिसको हमने अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया था। हमें इसको डाल देना है। डाल के फ्लेम को हमने हाई कर लेना है और हल्दी के साथ इसको हमें अच्छे से भून लेना है। इधर हमने हल्दी के साथ चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं हमारा चिकन बहुत अच्छे से भून गया है। इस तरह से हम यहाँ पे इसमें 2 तेज़पत्ते डाल देंगे और 1 टी स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। डाल के हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। 1 मिनट तक इसको हम हाई फ्लेम पर भून लेंगे अच्छे से, ताकि हमारा अदरक लहसुन भी बहुत अच्छे से जो है चिकन के साथ जो है मिक्स हो जाए। अदरक लहसुन को भी हमने चिकन में अच्छे से भून लिया। 1 से 1.5 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे पकाया। अब यहाँ पे हम कुछ ड्राई मसाले डाल देंगे, जिसमें हमने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून यहाँ पे हमने तीखी वाली पीली लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टी स्पून गर्म मसाला पाउडर लिया है। गर्म मसाला हमारा होम मेड गर्म मसाला है, हमें इसको डाल देना है। इसी के साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, जितना आपका चिकन हो या फिर आप जितना खाना पसंद करती हैं आप उस हिसाब से डाल दीजिएगा। और जो हमने अपनी आधी प्याज भी जाके रखी थी, हमें उसको भी इस स्टेज पे डाल देना है। डाल के सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और सभी चीज़ों को चलाते हुए हमें हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। इधर हमने हाई फ्लेम में चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं हमारा चिकन बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इस स्टेज पर यहाँ पर हम 1 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इतना पानी डालेंगे कि हमारे मसाला अच्छे से पक जाए और हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए। फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम टू लो कर दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम 10 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे। बीच बीच में आप इसको 1-2 बार चम्मच से चला दीजिएगा और 10 मिनट तक इस तरह से पकने दीजिए इसको। इधर जब तक हमारा चिकन पक रहा है तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी प्याज एकदम ठंडी हो चुकी है और एकदम क्रंची हो चुकी है। इसको हमें ग्राइंडर जार में डाल देना है। डाल के इसका हमें फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसी के साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून जो है खसखस डाल देंगे, आप इसको पुस्तक दाना भी कह सकते हैं। 2 छोटी इलायची डाल देना है हमें, 1 जावित्री का फूल, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का और थोड़े से हमने यहाँ पे गरी लिया। आप चाहें तो इसकी जगह पे गरी का बूरा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पे 3 चम्मच हमने यहाँ पे फ्रेश दही ली है, हमें उसको डाल देना है। डाल के हमें इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। इधर हमारे मसालों का पेस्ट तैयार है, इसको हम साइड रख देते हैं और चलते देखते हैं हमारे चिकन का क्या हाल है।
इधर हमारे चिकन को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे चिकन में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और अभी हम इसको अच्छे से चला देंगे। हमें अच्छे से मिक्स कर देना ताकि हमारी प्याज वगैरह अच्छे से जो है निकल जाए, और सभी मसाले हमारे बहुत अच्छे से पक जाए। इसको हम फ्लेम को हमने अभी भी मीडियम टू लो रखा है, इसको लीड लगा के हम इसको 4 मिनट तक और मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारा चिकन बहुत अच्छे से पक जाए। जब तक हमारा चिकन पक रहा है तब तक इधर हमने एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें हमने 2 टेबल स्पून जो है घी डाल दिया है। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी दाल मखाना लिया है, आप इसको लावा भी कह सकते हैं। इसको हमें डाल के इसको अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं या और चाहें तो आप घटा सकते हैं। इसको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। इधर हमारा दाल मखाना बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, एकदम ये क्रंची हो गया है, देख सकते हैं इसमें क्रंच बना हुआ है। अब इसको हम साइड कर देंगे, फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। इसको हम इस बर्तन से निकाल लेंगे, किसी बर्तन में करके इसको हमें साइड रख देना, ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए देखते हैं हमारे चिकन का क्या हाल है। इधर हमारे चिकन को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से भून चुका है। आप देख सकते हैं हमारा चिकन भी एकदम बहुत अच्छे से पक चुका है। यहाँ पे हमने फ्लेम को हाई कर दिया, हाई फ्लेम पे हम 1 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे। इधर हमने हाई फ्लेम करके इसको बहुत अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं हमारा चिकन बहुत अच्छे से भून गया है। अब हमने जो भी प्याज और दही वगैरह का पेस्ट बना के रखा था, इस स्टेज पर हमें उसको डाल देना है। डाल के इसको भी हम 1 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे, इसमें अच्छे से भून लेना है। हमें फ्लेम पे यहाँ पे हमने हाई रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे ही हमें इसको अच्छे से पका लेना है। अगर हमने हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से 1 मिनट तक चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया, हमारा चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है, बहुत ही अच्छे इसमें से खुशबू आ रही है। हमने जिस जार में अपने प्याज और दही वगैरह को पीसा था उसमें हमने पानी डाल के यहाँ पर हम 1 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। जो हमारा मसाला वगैरह लगा है सब हमें इसको इसमें डाल देना है। हमें मसालों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। हमें इसका सालन बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा इसको हम पतला करेंगे। फिर हमने 1 गिलास पानी डाल दिया, डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। फ्लेम को हमने यहाँ पर लो कर दिया, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम 5 मिनट तक इसी तरह से पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमारे चिकन को पकते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छे से हमारा चिकन बनके तैयार हो गया। अब इस स्टेज पे हमें जो है इसमें जो दाल मखाने को हमने अपने फ्राई करके रखा था हमें उसको डाल देना है। डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप चाहें तो आपको दाल मखाना डूबा हुआ चाहिए, गला हुआ चाहिए, तो आप जिस वक्त ग्रेवी लगाइएगा उस वक्त भी आप दाल मखाने को डाल सकते हैं। इस तरह से हमने मिक्स कर दिया है सभी दाल मखानों को। अब हमें यहाँ पे हमने 3 से 4 ड्रॉप जो है हमें केवड़ा एसेंस डाल देना है इसमें, इससे बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है। आपके पास जो भी है आप उसको डाल दीजिए, ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो डालिए, अगर नहीं पसंद है तो आप नहीं भी इसको डालिएगा, पर इसके डालने से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। इसको हम 2 से 3 मिनट तक और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह से पका लेंगे, फिर हमारा चिकन एकदम सर्व करने के लिए तैयार है। इधर हमारे चिकन को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा चिकन पक चुका है। जब हमारा चिकन एकदम सर्व करने के लिए तैयार है, अब इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम लीड लगा के इसी तरह से 5 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको गर्मा गर्म इसी तरह से सर्व कर लेंगे। इधर हमारा चिकन नान गोश्त सालन एकदम सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसको नान के साथ या फिर रुमाली रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको नान के साथ सर्व कीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इधर हमारा चिकन नान सालन एकदम तैयार है, आप इसको इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व करें, एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करें। आपने देखा होगा कितनी आसानी से बनके तैयार हो जाता है और खाने में ही उतना ही टेस्टी लगता है। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा।